मित्रों, शिक्षा सरस्व में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर उपस्थित हूँ व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में प्रथम वर्ण से तृतीय वर्ण परिवर्तनम, तो हम देखेंगे कि प्रथम वर्ण का तीसरा वर्ण में तृतीय वर्ण में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि नियम है आपका कि झलाम जसुंते सूत्र है, जस्तु संधि है। झलाम जसुंते कहता है कि वर्ग के प्रथम मतलब प्लस से पहले क्या क्या होना चाहिए, तो प्लस से पहले प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ ये वर्ण यदि रहेंगे और श स सह तो इसके स्थान में क्रमशः ज का जो स्थानीय होगा ज हो जाएगा, ब का होगा तो ब ग ड द, मतलब इन सबों के स्थान में क्या हो जाएगा जो जिसके वर्ग के होंगे। जैसे क होगा तो क का ग हो जाएगा, च हो जाएगा च का ज हो जाएगा, मतलब इस तरह से चवर्ग रहेगा तो ये ऐसे करके, तो यहां पर में क्रमशः ये सब हो जाएंगे। ठीक है, कहां रहेगा तो ये प्लस से पहले होना चाहिए और उसके स्थान में ये सब हो जाएंगे। तो हमें अब करना क्या है, तो केवल प्रथम वर्णस्य तृतीय वर्णे परिवर्तनम, केवल हम क्या देखेंगे तो केवल प्रथम वर्ण का प्रथम वर्ण के स्थान में तृतीय वर्ण किस तरह से होता है, क्योंकि एग्जाम में प्राय सिलेबस में हर जगह प्रथम वर्ण का ही तीसरा वर्ण करने को कहता है, न कि ये सब के सब। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां पर में कि जैसे मान लीजिए यहां वाक, ठीक है ना, तो प्लस से पहले क्या है वाक में क है। ठीक, अब क है तो क के स्थान क्या कहा प्रथम वर्ण को क्या कर जाएगा तो तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो देखेंगे आप यहां पर में क है, क्या है क, इस क के स्थान में क्या हो जाएगा तीसरा वर्ण, तो यहां क ख ग, तो यहां पर में आपको ग दिख रहा है तो ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा वाक में क है क के स्थान में ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा हम दिखा दें यहां पर में वाक प्लस ईशा, तो यहां देखेंगे क का क्या हो जाएगा ग, तो वाग प्लस ईशा। तो अब यहां पर में क है तो क गौ में ई मिल जाएगा, क्या हो जाएगा वाग ई मिल जाएगा तो वागीशा, समझ गए बात। तो इस तरह से आप बनाएंगे यहां पर में, तो वाक और ईशा वागीशा बन जाएगा। सेम आपको देखेंगे, आप देखेंगे यहां पर में जगत प्लस ईसह शब्द है, यहां भी वही बात कि प्रथम वर्ण क्या हो गया प्लस से पहले प्रथम वर्ण क्या हो गया आपका जगत में त। ठीक है, इस त के स्थान में क्या हो जाएगा, त के स्थान में हो जाएगा आपका त के स्थान त थ द, तो यहां खोजेंगे द कहां है, ये रहा आपका द। ठीक है, तो द होगा आपका त के स्थान में द, क्या हो जाएगा जगत प्लस त का द हो जाएगा तो जगत हो गया। ठीक है, जगत हो गया और जगत में ई मिला देंगे क्या हो जाएगा जगदीश। ठीक ना, यहां पर में क्या था इससे पहले त था तो त के स्थान कर दिए हम द, और ये वाला जो ई है इस ई को मिला दिए यहां, हो गया आपका जगदीश। ठीक ना, नेक्स्ट में चलेंगे षट प्लस आननः, क्या शब्द है षट प्लस आननः। अब यहां पर मैं आप देखेंगे कि सट में क्या है ट है प्रथम वर्ण, इस ट के स्थान ट ठ ड, तो यहां पर में ड हो जाएगा, ड कहां हो जाएगा ट के स्थान में ड हो जाएगा, तो सट का ट कहां हो जाएगा ड, क्या हो जाएगा सड। ठीक है ना, सड हो जाएगा और सड में हलंत है आ मिल जाएगा, क्या हो जाएगा सडाननः। ठीक ना, तो सडाननः आपका यहां पर में रूप बन जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट में हम देखेंगे दिक् प्लस अंबरः, यहां पर मैं क का उदाहरण किया है फिर भी एक उदाहरण आ गया दिक् प्लस अंबरः। तो दिक् में क्या है, दिक् में क है तो क के स्थान में हम क्या करेंगे, क के स्थान में ग कर देंगे और ग में अ मिला देंगे तो दिक् का ग हो जाएगा, क का ग तो दी, ग में अ मिलेगा ग तो दिगंबरः। ठीक ना, दिगंबरः आपका रूप बन जाएगा। अब देखेंगे अच प्लस अंत, क्या है अच प्लस अंत, लास्ट में क्या है प्लस से पहले प्रथम वर्ण तो च है, च के स्थान में क्या हो जाएगा च छ ज,
तीसरा वर्ण हो जाएगा क्या, च के स्थान में, च के स्थान में हो जाएगा ज, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर में अज का च का ज कर देंगे, क्या हो जाएगा अज और अंत अजंत, देख रहे हैं। फिर उसके बाद एक है दिक प्लस गज, तो दिक प्लस गज क का ग हो जाएगा और वहां पर में ग का फिर ग गज का गज मिल जाएगा, आपका दिक गज शब्द बन जाएगा। तो यहां पर में आप देख लिए कि प्रथम वर्ण का तीसरा वर्ण किस तरह से, तृतीय वर्ण किस तरह से होता है, और हम इसके बाद चलेंगे फिर नेक्स्ट व्यंजन संधि में, फिर नेक्स्ट चलेंगे तो आप इसको देखेंगे, और यहां जहां भी आपको कहीं दिक्कत लगे तो आप बिल्कुल कमेंट करेंगे और फिर हम उस पर में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी लाभ मिल सके, और एक एक पॉइंट हम लोग चलेंगे करेंगे। अभी संस्कृत का कुछ काम चल रहा है, अब इसके बाद हिंदी से संबंधित हम लोग काम करेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।